सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। दो दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी पहली टाइप 55 क्लास की डिस्ट्रॉयर्स को अपने नेवी में इंडक्ट किया गया है। ये शिप्स काफी हेविली आर्म्ड है और ये इंडियन नेवी की कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर्स को आर्मामेंट के मामले में काफी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन भारत भी प्रोजेक्ट 15B के अंदर चार एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को बना रही है, जिसमें से पहला डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम 2021 से 22 के बीच इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। इसके पीछे तीन सिस्टर शिप्स को भी बनाया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम INS मुरमुगाव और एक का नाम INS इम्फाल है और चौथा वेसल का नाम अभी तक रखा नहीं गया है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन वॉरशिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 6150 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं और इन सारे 6150 करोड़ सिर्फ वॉरशिप्स की वेपन और सेंसर पैकेज के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। जब 2011 में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था तो तब किए गए एस्टिमेशन के मुताबिक इन चार वेसल को बनाने के लिए करीब 29,644 करोड़ खर्च होने वाली थी, लेकिन अभी किए गए एस्टिमेशन से पता चला है कि अब इनको बनाने में करीब 35,800 करोड़ खर्च हो सकता है। इन वेसल्स की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट करीब 7,500 टन तक है और ये करीब 30 नॉट की रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं। इन वॉरशिप्स में ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ बैरक एनजी मिसाइल को तैनात किया जाएगा, जो कि बैरक 8 के मुकाबले बेहतर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे और इनकी मैक्सिमम रेंज करीब 100 किलोमीटर तक होने वाली है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। दो दिन पहले ही तेजस की पहली नेवल प्रोटोटाइप को सफलता के साथ इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ और लैंड कराया जा चुका है। ये तेजस की नेवल प्रोटोटाइप की फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी इंडिजिनस फाइटर को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डेवलप नहीं किया था और पहली ही बार में तेजस की नेवल प्रोटोटाइप की दो बैक टू बैक सफल परीक्षण को INS विक्रमादित्य से कंडक्ट किया जा चुका है। एक तो इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ था, लेकिन इसी बीच एक और मेजर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम हॉट रिफिलिंग है। ये टर्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन कंडीशन में होता है और इसी बीच इसको रिफ्यूल किया जाता है। तो जब तेजस की नेवल प्रोटोटाइप 1 को लैंड कराया गया था तो इसे कैप्टन श्रीनिवास धैया उड़ा रहे थे और रिफ्यूल करने के तुरंत बाद ही इसको वापस टेक ऑफ कराया गया था और इसे INS हंसा बेस में भेज दिया गया था। आज एक बार फिर से तेजस की नेवल प्रोटोटाइप को INS विक्रमादित्य पर लैंड और टेक ऑफ कराया गया था, लेकिन ये LCA नेवी की दूसरी यूनिट थी, यानी कि नेवल प्रोटोटाइप 2 था। इस तरीके की टोटल 20 लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन अभी आने वाले 10 दिनों में कंडक्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आर्मी चीफ जनरल MM नारावने जी ने मीडिया को बताया है कि आर्मी के तरफ से अभी एक स्पेशल पेंशन प्लान को लॉन्च करने का प्लान किया गया है और इसके अंदर 1965 और 71 के जंग के दौरान जिन ऑफिसर्स को इमरजेंसी कमीशन या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आर्मी में शामिल किया गया था और जिन लोगों ने उस दौरान जंग लड़ा था, उनको स्पेशल पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसका नाम स्वतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन स्कीम है, जिसके लिए एक प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है। आर्मी चीफ ने आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के अवसर पर स्पीच देते हुए बताया कि जब 1965 और 71 का जंग हुआ था तो तब आर्मी के पास ऑफिसर्स की कमी थी और इसकी भरपाई करने के लिए उस वक्त बड़ी मात्रा में शॉर्ट सर्विस या फिर इमरजेंसी सर्विस कमीशन के अंदर भर्तियां की गई थी, लेकिन शॉर्ट सर्विस या फिर इमरजेंसी सर्विस के अंदर जिनको शामिल किया जाता है उनको पेंशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको वक्त से पहले ही रिटायर होना पड़ता है। तो अभी उन लोगों को एक तरीके से सम्मानित करने के लिए एक नए पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, साथ ही उन लोगों को कुछ हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने वाला है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक INS विक्रांत, जो कि हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी काफी तेज से किया जा रहा है। ये भी बताया गया कि आने वाले 2 महीनों से इसकी बेसिन ट्रायल शुरू होने वाली है। बेसिन ट्रायल के बाद इसकी सी ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसको इंडियन नेवी में डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इसे 2021 में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा और अभी से ही INS विक्रांत के लिए क्रू मेंबर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया गया है। अभी INS विक्रांत की पहली बैच के क्रू मेंबर तैयार हो चुके हैं और साथ ही सेकेंड और थर्ड बैच को तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि अभी नेवी की तरफ से INS विक्रांत के लिए
कैप्टन को भी सिलेक्ट किया जा चुका है। हालांकि उनके नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी का कहना है कि आईएनएस विक्रांत को 2021 की मार्च से पहले ही डिलीवर कर दिया जाएगा और उसको 2022 से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट मारुति जिप्सी को लेके, आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी मारुति जिप्सी का बहुत बड़ा कस्टमर है और लाइट ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में इंडियन आर्मी इसी व्हीकल का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब ये काफी पुराने हो चुके थे और नए सेफ्टी फीचर के मुकाबले ये काफी पीछे पड़ रहे थे, जिस वजह से इसे सफारी स्टॉर्म से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था। लेकिन सफारी स्टॉर्म को कुछ दिन तक इस्तेमाल करने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से फीडबैक दिया गया कि हालांकि ये व्हीकल जिप्सी के मुकाबले सेफ्टी और एमिशन नॉर्म के मामले में बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहां पर सफारी आसानी से नहीं जा पा रही है, क्योंकि सफारी काफी बड़ी गाड़ी और ये पतले घाट एरिया में फंस जाता है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से दोबारा से जिप्सी के लिए ऑर्डर किया जा रहा है और दोबारा से जिप्सी की प्रोडक्शन को शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिप्सी की G13 इंजन लेटेस्ट VS6 नॉर्म्स को पूरा नहीं कर सकता है और इसके लिए पहले से ही आर्मी को बताया जा चुका है और अभी शायद आर्मी के लिए नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाएगा या फिर जिप्सी के लिए कोई नया इंजन ऑप्शन चुना जा सकता है। अगला अपडेट इंडिया और मलेशिया को लेके है। दोस्तों कल मैंने आप सभी को बताया था कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद के कश्मीर के ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के बाद भारत की तरफ से मलेशिया से पाम ऑयल को इंपोर्ट करना बंद करने का फैसला किया गया था और ये मलेशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जब भारत मलेशिया से सालाना 4.4 मिलियन टन से भी ज्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट करता था, वो नंबर अभी 7 दिन में गिरकर जीरो पे आ गई है और आज एक भी इंडियन ऑयल ट्रेडर मलेशिया से पाम ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें मलेशिया को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और जितना ऑयल भारत अकेले इंपोर्ट करता था उतना कई सारे देश मिलकर भी खरीद नहीं पाएंगे। इसी बात को लेके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद काफी चिंता में और वो जल्दी से ही इस ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं, पर दूसरे तरफ वो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर पे दिए गए अपने स्टेटमेंट में बरकरार हैं, यानी कि अभी भी उनका कब्ज ठीक नहीं हुआ है और अभी भी वो जम्मू एंड कश्मीर को भारत का इंटरनल इशू मानने से इनकार कर रहे हैं। वैसे बुढ़ापे में ये आम बात है, तो अभी उनकी कब्ज को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए भारत की तरफ से एक और जोरदार डोज दिया जा रहा है और अब से भारत मलेशिया से माइक्रो प्रोसेसर्स को इंपोर्ट करना बंद करने वाला है और इसके लिए पहले ही गाइडलाइंस को इशू किया जा चुका है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।